सो गुड आफ्टरनून एवरी वन ठीक है टूडेट विल स्टार्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ठीक है तो देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से पहले डिस्कस इक्वेशन इन वन फर्स्टली ठीक है तो लेट से कि हमने बोला कि लाइक टू एक्स ये पहले देख लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन वन वेरिएबल वेरिएबल तो फर्स्टली हम कह सकते हैं कि एनिक्वेशन पहले इसके बारे में लिख देते हैं एनिक्वेशन एनिक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ विच इज

लीनियर इक्वेशन अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन वन वेरियबल वन वेरिएबल ठीक है जैसे एग्जाम्पल uh, में मैं लिख सकता हूं एग्जाम्पल में एग्जाम्पल में आई कैन राइट कि मेरे पास एग्जाम्पल में हो जाएगा लेट से हमने लिखा टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो टू एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो रूट अंडर टू एक्स माइनस कितना थ्री इक्वल टू जीरो हम ये भी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं लिख सकते हैं माइनस रूट अंडर सेवेन ठीक है तो इस तरह के किसी भी एक वेरिएबल यहाँ पर क्या है एक्स एक वेरिएबल है यहाँ पर भी X एक वेरिएबल है यहाँ पर वाई एक वेरिएबल है तो इस तरह के वेरिएबल जो है वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल फॉर्म करते हैं एक वेरिएबल के हेल्प से हमने किया ठीक है क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है अगर लेट्स हमने लिखा टी इक्वल्स टू जीरो इज इट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जस्ट रिप्लाई इन द चैट से जो इस बॉक्स में लिखा है तीन लोगों का आंसर आया है कितने आई थिंक जनता हमारे पास कितनी है जनता तो टोटल तो सेवन है भाई तीन ही अभी तक रिप्लाई आया और लोग रिप्लाई कीजिए विपुल कांत चार लोग का आ गया सुमन का भी आ गया कृष्णा का भी आ गया ठीक है तो अभी फिफ्टी फिफ्टी में माजरा आ रहा है माजरा जो है आधे लोग कह रहे हैं यस और आधे लोग कह रहे हैं नो ठीक है तो मैं सबसे पहले कृष्णा अभिषेक को अनम्यूट करता हूं उनसे रीजन जानना चाहता हूं ठीक है कृष्णा अभिषेक हम्म सर हाँ चलिए मैंने आपको अनम्यूट किया बताइए तो क्यों नहीं होगा सर पहले सर ये एक्सप्रेशन है सर यहाँ पे तो एक वैल्यू ना है इसका वैल्यू ये है सर यहाँ इक्वेशन कहाँ बन रहा है इक्वेशन नहीं बन रहा है लेट से हमने लिखा हमने लिखा इसको देखिएगा मैं। like लिख दिया दे इसको वन इंटू टी प्लस जीरो ठीक है तो ए के प्लेस पर मुझे वन मिल गया वेरिएबल मैंने टी के फॉर्म में ले लिया और बी के प्लेस पर जीरो ले लिया हमने लिखा था यहाँ पर ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए के बारे में कोई हमने टर्म्स एंड कंडीशन नहीं रखा था कि बी को मैं जीरो रख सकता हूं या नहीं ठीक है तो मैंने बी को जीरो रख दिया है तो ये क्यों नहीं है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सो दिस इज अगेन अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ठीक है एंड दैट वेरिएबल इज टी इज इट ट्रू सभी को कोई प्रॉब्लम तो किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने लिखा है यहां पर ए की वैल्यू जीरो नहीं होगी बाकी बी हमारा जीरो हो सकता है और वेरिएबल में मैं किसी भी वेरिएबल को ले सकता हूं Now, अब एक सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं कि एक इक्वेशन लिया हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लिया और मैं देखता हूं कि उसका सॉल्यूशन किस तरह का आता है ठीक है सॉल्यूशन किस तरह का आता है तो सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन solution of a of linear equation obviously in one variable in one variable ठीक है तो solution of a linear uh, solution क्या होता है किसी भी लीनियर इक्वेशन का It is the value of the variable. It is the value. It is the value of the variable. Value of the variable. The variable which satisfies which. satisfies, which satisfies the given, the given equation, given equation, इक्वेशन ठीक है कैसे भाई तो लेट से हमने लिया हमने एक इक्वेशन लिया एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं हमने लिया टू एक्स टू एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो ठीक है तो देखते हैं हम कि इफ इफ वी पुट वी पुट एक्स इक्वल टू वन क्या करता हूं कि मैं इस इक्वेशन में एक्स इक्वल टू वन को पुट करता हूं ठीक है तो मैं देखता हूं कि एल में मुझे क्या मिलता है एल में मुझे क्या मिलता है तो आई कैन राइट कि यहां पे मुझे टू इंटू वन माइनस टू मिल रहा है टू इंटू वन का मीनिंग टू होगा माइनस टू एंड टू माइनस टू इज जीरो जीरो क्या है आरएचएस के बराबर आ गया आरएचएस के बराबर आ गया इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ दैट इज कि मैंने एक्स इक्वल टू वन रखा तो मुझे एल एच एस की वैल्यू एल एच एस की वैल्यू आरएचएस के बराबर मिल रही है एल एच एस की वैल्यू आर एच एस के बराबर मिल रही है तो मैं कहूंगा देअर फोर एक्स इक्वल टू वन जो होगा एक्स इक्वल टू वन इज द सोल्यूशन इज अ सॉल्यूशन सॉल्यूशन of the given equation, of the given equation, बात आया समझ में भाई क्या करूंगा मैं? मैं एक एट रैंडम मैंने x की वैल्यू वन लिया तो मैं अगर इसको एल एच एस में पुट कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूँ कि इक्वल टू जीरो आ गया एंड दैट इज इक्वल टू आरएचएस जो कि आर एच एस के बराबर था तो यहां पर मैं बोलूंगा कि एक्स इक्वल क्या होगा एक सॉल्यूशन होगा सिमिलरली अगर मैं यहां पर लेट से एक्स इक्वल टू माइनस वन रखता लेट से इफ इफ एक्स इक्वल टू माइनस वन देन क्या मिलता आपको आप ये कहते कि मुझे एल एच एस की जो वैल्यू मिलती एल एच एस वो कुछ ऐसा मिलता कि ये टू एक्स था तो टू इन टू

एल एच की जो वैल्यू है दिस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस आर एच एस के बराबर नहीं है और अगर आर एच एस बराबर नहीं है तो आई कैन राइट कि देर फोर ये हमारा एक्स इक्वल टू माइनस वन जो है माइनस वन इज नॉट अ सॉल्यूशन इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वेशन बात आया समझ में सभी को ठीक है आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पार्ट आपने क्लास एट में पढ़ा होगा ऑलरेडी ठीक है तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन देता हूं एक क्वेश्चन देता हूं आपको बताना है स्टेट 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 फॉर द इक्वेशन फॉर द इक्वेशन फॉर द इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है भाई लेट से हमने लिखा कि टू एक्स टू एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू सेवन सेवन दिस एक्स इक्वल्स टू x इक्वल्स टू वन एंड दूसरा मैं ले रहा हूं फर्स्ट में ये है वन एंड सेकेंड में ले रहा हूं एक्स इक्वल्स टू 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 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन दोनों चेक करके बताना है आपने कि क्या एक सिक्वेश वन सोल्यूशन है दूसरा एक सिक्वेश टू सोल्यूशन है एवरी वन आदित्य ने बहुत जल्दी आंसर दे दिया आदित्य सोच कर देना चाहिए था चलिए सभी लोग दोनों को चेक करके बताना है दोनों को चेक कर बताना है तो बहुत अच्छे लगभग सभी लोगों से आंसर आ रहे हैं ठीक है। well done. तो यहां पर एक्स इक्व टू वन जो है वो सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि X की फॉर फॉर एक्स इक्व टू वन एल एच एस में जो वैल्यू आएगी एल एच एस में वैल्यू आएगी वो आएगी टू इंटू वन प्लस थ्री प्लस थ्री विच इज इक्वल टू फाइव एंड दिस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस जो कि आर के बराबर नहीं है बहुत अच्छे है और दूसरा दूसरा मैं टू के लिए बात करता हूं फॉर एक इक्वल टू टू अगर मैं इसको एल में रखूंगा एल में रखूंगा तो आई कैन राइट कि टू इन टू प्लस थ्री हो जाएगा विच इज इक्वल टू सेवन एंड दिस इज इक्वल टू आर ये आर के बराबर होगा तो हम कहेंगे कि एक सिक्वस टू टू जो है वो मेरा सॉल्यूशन होगा इस लिनियर इक्वेशन का एक सिक्वस टू वन तो सॉल्यूशन नहीं होगा ठीक है अब मेरा यहां से क्वेश्चन ये है कि मैंने सेम लिनियर इक्वेशन आपको दिया हुआ है यहाँ पे सेम लिनियर इक्वेशन दिया हुआ है ठीक है और मैं ये क्वेश्चन अराइज करता हूं कि क्या एक सिक्वस टू टू के अलावा कोई और सॉल्यूशन पॉसिबल होगा इसका ज देर एनी अनदर वैल्यू ऑफ एक्स एक्सेप्ट दिसुशन ऑफ दिसवेशन क्या इस लीनियर इक्वेशन का एक्स इक्वल टू टू के अलावा कोई सोलूशन होगा आंसर शुड बी नो ठीक है तो मैं ये कहूंगा कि हमारे लीनियर इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन सिर्फ नहीं लिखेंगे आदित्य ध्यान दीजिए आपने जब लिखी लिखा है लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन हैज वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन ये स्टेटमेंट गलत है ये स्टेटमेंट गलत है इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा इंप्रोवाइज करूंगा मैं कि अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यू कैन राइट वन वेरिएबल हैज वन एंड ओनली सॉल्यूशन ठीक है मैं ऐसे बोलूंगा वन वेरिएबल लगाना जरूरी है क्यों जरूरी है थोड़े, दे, थोड़े देर थोड़ी देर बाद देखूंगा मैं ठीक है तो यहाँ पे रिमार्क एक लिख लेता हूं हम ए, मैं लिख लेता हूं और थोड़ा सा ऑब्जर्व और करते हैं और और भी एक प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करते हैं दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं लेट से हमने ले लिया हमने ले लिया लेट से uh, कुछ और लेते हैं थ्री एक्स माइनस नाइन ले लिया या थ्री एक्स माइनस सेवन ले लिया इक्वल्स टू टू ले लिया लेट से हमने ये इक्वेशन लिया ठीक है और इसको मैं सॉल्व करना चाहता हूँ सॉल्व करने के लिए आप जानते हो क्या करते हैं साइड चेंज करते हैं आई थिंक ये सब तो बताना जरूरी नहीं होगा कि ये सा, इस साइड प्लस में है तो अदर साइड जाएगा तो माइनस में होगा दूसरी साइड अगर आ, डिवीजन में है तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा ठीक है आई थिंक इसमें तो कोई फाइंड आउट नहीं हो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा होगा तो बता दीजिएगा देखिए थ्री है ये अपना साइड चेंज करेगा तो उस साइड यहाँ पे देख सकते हैं कि यह माइनस में है अपना साइड चेंज करेगा तो ये प्लस में जाएगा तो आई कैन राइट टू प्लस सेवन हो जाएगा ये एंड इट मीन दैट दिस बी थ्री टू प्लस सेवन इज नाइन देअ एक्स की जो वैल्यू होगी वो मुझे नाइन बाई थ्री मिलेगी नाइन बाई थ्री और नाइन बाई थ्री का मतलब ये कैंसिल होगा और इसकी वैल्यू थ्री के बराबर मिल गया ठीक है तो हम कहेंगे एक्स इक्वल्स टू थ्री मिल रहा है तो यहां पर मैं देख रहा हूँ कि जहां जो मुझे सॉल्यूशन मिल रहा है वो नंबर लाइन का कोई एक पॉइंट मिल रहा है ठीक है क्योंकि x इक्व थ्री नंबर लाइन पर कहीं पर एक जगह हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो इट मींस देन इन अनदर वे आई कैन से कि x इक्व थ्री इज अ पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन क्या ये स्टेटमेंट सभी को समझ में आ रहा है क्या हम लोग जानते हैं बिकॉज एवरी पॉइंट ऑन द ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ रियल नंबर ठीक है तो यहाँ पर एक, एक कहीं ना कहीं तो आएगा ही नंबर पर. तो हम जानते हैं कि हमारा नंबर पर कोई भी, कोई भी पॉइंट अगर हम कंसिडर करते हैं तो दैट पॉइंट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट नंबर लाइन अ नंबर ठीक है अ नंबर और आई कैन से रियल नंबर एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि हमारे पास एक सिक्वर टू थ्री जो आया है वो हमारे नंबर लाइन का कोई एक पॉइंट होगा क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है सभी को समझ में आ रही है तो यू कैन राइट यश और नो इन द चैट सेक्शन सभी लोग यश और नो से आंसर कर दीजिए बहुत बढ़िया चलिए तो अब यहां से हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं सॉल्यूशन इसके सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज सिंपली लिख देते हैं हम चूंकि लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली लीनियर इक्वेशन ही होगा प्रॉपर्टीज पहला प्रॉपर्टी मैं ये लिखूंगा फर्स्ट कि द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन द सॉल्यूशन

Represents a point on the number line. A point, a point on the number line. A point on the number line. Number line का कोई भी एक point को represent करेगा, जो भी solution हुआ इस time. और दूसरा मैं कह सकता हूँ, दूसरा, दूसरा there is there is one and one and only one only one solution solution of a linear equation of a linear equation क्वेशन इन वन वेरिएीनियर इक्वेशन इन वन वेरिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन आपको मिलते हैं भाई ठीक है तो ये रहा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और उसके रिगार्डिंग जो प्रोपर्टीज थी वो ठीक है तो आपके एक्सरसाइज का पहला अः एक्सरसाइज यही है आपके जो भी चैप्टर का पहला एक्सरसाइज होगा वो इसी पर बेस्ड होगा तो उसको ट्राई कर लीजिएगा नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ लेट वी स्टार्ट आवर एग्जैक्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सो लीनियर इक्वेशन इन इन टू वेरिएबल्स इन टू वेरिएबल्स ठीक है तो देखिए मैं इसको लिख सकता हूं कि एनिक्वेशन एनिक्वेशन विच इज विच इज is in the form of which is in the form of form of Ax plus BY, BY plus C equals to zero plus C equals to zero where where A B आर कॉन्स्टेंट ए बी सी क्या है कॉन्स्टेंट एंड कॉन्सटेंस का मतलब जानते हो कोई भी रियल नंबर टू थ्री फाइव माइनस थ्री माइनस टू माइनस ट्वेल्व माइनस इलेवेन कुछ भी कोई भी किसी भी तरह का नंबर फिर are कॉन्स्टेंट्स एंड ए एंड बी ए एंड बी ए एंड बी कैन नॉट बी जीरो कैन नॉट बी जीरो साइमल्टेनियसली साइमल्टेनियसली ए एंड ए एंड बी कैन नॉट बी जीरो साइमल्टेनियसली साइमल बात आया समझ में इसका मतलब कि कोई भी इक्वेशन एन इक्वेशन विच इज इन विच इज इन द देश वेर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट एंड ए एंड बी कैन नॉट बी जीरो साइमल्टेनियसली साइमल्टेनियसली कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन कॉल्ड कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन ियर इक्वेशन अलीनियर इक्वेशन इन टू वेरियबल्स इन टू वेरिएबल्स ठीक है तो चलिए देखिए यहां पर मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेके आपसे आपसे कंफर्म होना चाहता हूं कि क्या मैंने जो कुछ एग्जांपल्स लिए हैं वो लीनियर इक्वेशन इन वन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एग्जांपल्स एग्जाम्पल पहले टू जीरो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है एवरी जस्ट रिप्लाई इन द चैट सेक्शन चैट सेक्शन में सभी लोग रिप्लाई कीजिए क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है एक का आंसर आया है कि नहीं बाकी सभी लोग का आंसर आ रहा है यस तो ऑफ कोर्स ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जांपल है बिकॉज यहाँ पे सी की वैल्यू जीरो हो गई है सी की वैल्यू जीरो हो गई है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था आई थिंक पता नहीं आपने क्यों ऐसे दिया कि ये नहीं होगा कृष्णा इसको तो मैं ऐसे लिख ही सकता हूं कि थ्री एक्स माइनस फाइव वाई और प्लस जीरो इक्व टू जीरो ठीक है हाँ विपुल कान। कुछ बोलना चाहते हो क्या विपुल चलिए मैंने आपको अनम्यूट कर दिया बोलिए सर आप क्वेश्चन में दिए हैं टू वेरिएबल आप बोल रहे थे वन वेरिएबल अच्छा वन वेरिएबल बोल रहा था क्या मैं यस yes. सॉरी नहीं नहीं टू टू वेरिएबल ही थैंक यू थैंक यू चलिए तो टू वेरिएबल बोलना चाहिए था मुझे थैंक यू तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ठीक है दूसरा ये पूछ रहा हूं मैं फिर हमने पूछा रूट अंडर थ्री एक्स प्लस रूट अंडर रूट अंडर फाइव वाई माइनस सेवेन इक्वल टू जीरो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है एवरीवन क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है बहुत अच्छे है वेल्डन वेल्डन सब लोग का रिप्लाई आ रहा है बहुत सही रिप्लाई आ रहा है तीसरा लेट्स से हमने दिया कि x इक्वल टू जीरो इज इट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या मैंने एक uh, कुछ और ले लेते हैं जस्ट वेट लेट्स से हमने लिखा टू एक्स माइनस फोर इक्वल जीरो क्या मैं पूछता हूं कि क्या यह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है इज इट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो आई थिंक सभी के आंसर नो 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 आ रहे हैं सभी का आंसर आ रहा है नो नो और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सभी के आंसर जो हैं वो गलत हैं बिकॉज ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ठीक है आदित्य राज आई थिंक आपका आंसर क्या था नहीं आदित्य आपका भी आंसर गलत है ठीक है जिसने आंसर दिया होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो उनका आंसर सही होगा अब हम ये कहेंगे कि ये कैसे ऐसा पॉसिबल है भाई तो ऐसा इसलिए कि जस्ट वेट मैं इसको लिख सकता हूं ये मुझे कुछ इस फॉर्म में मिला होगा टू एक्स वाई का से नहीं है तो मैं वाई का से जीरो ले लेता हूं जीरो माइनस फोर इक्वल टू जीरो और मैं इसको एक बार सेटिस्फाई कराना चाहता जिन, जिन्होंने किया है जस्ट वेट फॉर वन मिनट एंड आई थिंक वो खुद ब खुद अपना डाउट सॉल्व हो जाएगा उनका देखिए इसके पहले मैं जाता हूं जस्ट क्योंकि अगर ये लीनियर तो ऑफ कोर्स ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के डेफिनेशन को फॉलो करना चाहिए हमारा डेफिनेशन क्या था कि कोई भी इक्वेशन जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वेशन जीरो के फॉर्म में हो और जहां पर ए बी सी कॉन्स्टेंट्स हो कोई भी कॉन्स्टेंट हो और एंड बी ए एंड बी क्या थे एंड के जो कॉफिशियंट हैं वो क्या होने चाहिए वो इसका मतलब कि वो बारी बारी से तो जीरो हो सकते थे तो हमने क्या किया कि एक बार वाई का कॉफिसियन मैंने जीरो कर दिया तो वाई का कॉफिशियंट जीरो कर दिया तो यहां पर ये कुछ ऐसा ही है कि वाई का कॉफिशेंट जीरो हो गया है

लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पूछा था बोला था और अभी मैं इस इक्वेशन को बोल रहा हूं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ठीक है तो बात बात बड़ा सिंपल सी बात है भाई अगर आपके पास डायमेंशन सिर्फ एक हो आपके पास डायमेंशन सिर्फ एक हो डायमेंशन मींस डायमेंशन का मतलब क्या होता है यानी कि सिर्फ एक वेरिएबल हो तो आप कहोगे कि ये सिंगल वेरिएबल है लेकिन हमने डायमेंशन का दायरा बढ़ा दिया एक वेरिएबल से दो वेरिएबल कर दिया दूसरे टर्म में हम कहें तो पहले हम नंबर लाइन पर थे नंबर लाइन पर एक पॉइंट मिलता है अब मैं कॉर्डिनेट जो सिस्टम में आना चाहता हूं जहां पर ये एक्स होगा और दूसरा वाई इस तरह का सिस्टम बनेगा एक्स एक्स एंड वाई ठीक है यानी कि एक एक्सिस होगा दूसरा वाई एक्सिस होगा तो ये दो डायमेंशन में जा जा रहा हूं मैं किसके डायमेंशन में जा रहा हूं दो डायमेंशन में जा रहा हूं तो दो दो डायमेंशन तो में अगर मैं जाता हूं तो इसका मतलब कि मैंने क्या किया डायमेंशन जा रहा हूं तो यहां से जो सॉल्यूशन मिलता है वो वो क्या करता है किसी भी वो किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यानी कोऑर्डिनेट कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा था और इसके पहले साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक ही समय में ठीक है एक ही समय में दोनों हो जाए ठीक है एक समय में दोनों ए एंड बी एक ही साथ जीरो हो जाए ठीक है बारी बारी से जीरो हो जाए तो साइमल्टेनियस नहीं होता है यानी कि कोई भी काम हो तो एक साथ हो यानी हम लिखा है ए एंड बी कैन नॉट बी जीरो साइमल्टेनियसली यानी ए एंड बी एक ही साथ जीरो नहीं हो सकते हैं ठीक है साइमल्टेनियसली का मतलब तो अब देखिए मैं इस पे आ रहा तो बड़ा सिंपल सी बात है भाई तो पूछेगा क्वेश्चन कि क्या मैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लिख सकता हूं तो अफकोर्स लिख सकता हूं मैं लेकिन इससे फर्क क्या पड़ेगा तो इससे फर्क पड़ेगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पर ये किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा था जो नंबर लाइन पर लाई कर रहा था और अब ये यहां पर जो सॉल्यूशन मिलेगा यानी कि अगर ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता तो ये ये क्या करता लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता तो ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता और वो पॉइंट नंबर लाइन का कोई पॉइंट होता यहां पर भी अफकोर्स ये एक पॉइंट को इसका सोल्यूशन एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता जो पॉइंट कहां पर होता जो पॉइंट

तो आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा भाई आपको एग्जाम में आएगा कि इस इक्वेशन को वन वेरिएबल वेरिएबल और टू के फॉर्म में लिखने को आ सकता है राइट दिस इक्वेशन इन वन का क्वेश्चन यह राइज होता है कि ड्रॉ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस लिखेगा टू एक्स माइनस फोर इक्व टू जीरो इक्वेशन लिख दिया नाउ पूछेगा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन दोनों variable. Variable बड़ा सुंदर सा ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि क्या ये लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल है तो योर आंसर सुड बी ब्लाइंडलीस दिस इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल ऑल्सो ठीक है ये तीन वेरिएबल का भी है

Uh, जो है रूट टू वेरिएबल में हो सकता है क्या क्या नो no. देखिए डायमेंशन कम ज्यादा से कम हो सकता है यानी कि हमने ज्यादा लिखा है तो एक डायमेंशन को हटा देंगे तो वो कम में हो जाएगा लेकिन अगर मेरे पास एक ही डायमेंशन है तो डायमेंशन बढ़ा नहीं सकते हैं वन ठीक है बात आया समझ में अगर मेरे पास सिर्फ नंबर लाइन ही है मेरे पास सिर्फ नंबर लाइन ही है और मैं बोलूंगा कि मेरे ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में मुझे कोई पॉइंट दिखाना होगा तो मुझे टू वेरिएबल में ही जाना होगा अभिषेक ठीक है बात समझ में तो यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन जो आएगा आप इसके लिए बेफिक्र रहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल है कि टू वेरिएबल है तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा ही नहीं और अगर आएगा तो आप टू वेरिएबल लिख दीजिए ठीक है या वन वेरिएबल लिख दीजिए देर इज नो डिफरेंस एट ऑल ठीक है लेकिन कुछ फॉर्म में आएगा कि इफ यू हैव टू या इफ यू अ

वो कौड... वो कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंडर में पूछा जा रहा है हाँ आई थिंक अभिषेक आनंद ने हैंड रेज किया था एम आई राइट अभिषेक जिनको कोई डाउट हो यहाँ से तो हैंड रेज कर दीजिए अदरवाइज मैं आगे बढ़ूंगा हाँ अभिषेक आनंद हाँ बोलिए इसका मतलब इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो है, और दोनों तो एक्स एंड वाई एक्सिस कहां से आ गया बात को ध्यान से सुनेंगे कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जहां पर हम किसी पॉइंट को यानी कि आप दौड़ते हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बोलते हैं कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वहां पर दो वेरिएबल आ गया तब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगा बात आया समझ में नंबर लाइन का मतलब सिर्फ इस तरह का एक लाइन होगा सिर्फ इस तरह का एक लाइन होगा जिस पर आप नंबर्स ड्रॉ करते हो नंबर लाइन जानते हो ना नंबर लाइन में एक्स और वाई एक्सिस होता था क्या अभी से बोलिए नो सर नंबर लाइन में नहीं ना तो नंबर लाइन में एक पॉइंट होता था तो यहाँ पर एक x एक्सिस और y एक्सिस कैसे आपने yes. बोल दिया है समझ में नहीं नहीं समझ गए सर हो गए गुड yes. और किसी को कोई डाउट भाई जिसको डाउट हो जस्ट रेज योर हैंड अदरवाइज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो चीजें और स्मूथली क्लियर ही होंगी ठीक है अभी के अभी के समय पर जान जाइए कि अगर आपसे पूछा जाए कि अगर डायमेंशन का चिंता मत करो डायमेंशन हमको हमको जितना लेना होगा उतना हम ले लेंगे तो बताओ इसका ये कितने वेरिएबल का है तो आपका भी आंसर होना चाहिए कि अगर आपका डायमेंशन क्लियर है कि आप जितना ले सकते हैं तो आप भी इसको जितने वेरिएबल का मानना है उतने वेरिएबल का आंसर मान सकते उसको उतने वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन मान सकते हो बात आया समझ में क्या ये बात सभी को क्लियर हुआ चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर तो अब हम लोग सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ते हैं अच्छा चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं लेट्स से हमने बोला चलो फोर्थ लेट्स से हमने बोला y जीरो अब देखिए y को तो हमने ऑलरेडी इन्वॉल्व कर लिया y इन्वॉल्व कर लिया यानी कि x होगा ही तो ही y आया है अदरवाइज डायरेक्टली y नहीं आता तो हमने लिखा वाई इक्वल टू जीरो क्या ये लीनियर इक्वेशन है सबसे पहले यही बात कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है ये और नो में सभी आंसर पुट करेंगे जस्ट पुट योर आंसर इन ये और नो इन चैट सेक्शन एवरी क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है अभी से एक आनंद का आंसर आ गया और लोग क्या ये लीनियर इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल टू वेरिएबल मैं नहीं पूछ रहा हूं क्या ये लीनियर इक्वेशन है तो सभी लोग के बिल्कुल सही आंसर आए हैं यस दिस इज अ लीनियर इक्वेशन अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है नाउ माई क्वेश्चन इज इज इट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बहुत बढ़िया बहुत सुंदर तो हाँ, कोर्स ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी है बिकॉज आई कैन राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ़, आई कैन राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ कि जीरो इंटू एक्स प्लस वन इंटू वाई इक्वल टू जीरो रहा होगा यानी कि यहां पर ए सी जीरो है बी की वैल्यू वन है बात आया समझ में इफ वी कंसीडर देन इट मे बी इफ वी कंसीडर नहीं हमने पहले वाई दिया हुआ है वाई को जीरो वाई तभी आता है जब आपके पास एक्स अवेलेबल हो स्क्रीन विजुअल है क्या सभी को चलिए सो सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन इन टू वेरिएबल्स इन टू वेरिएबल्स ठीक है भाई सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे सॉल्व करते हैं तो जस्ट हमने लिखा कि लेट से टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू लेट से हमने लिख दिया सेवेन सेवन तो कैसे सॉल्व करेंगे तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो एक बात तो पहले क्लियर हो जाइए कि अगर दो वेरिएबल का इक्वेशन है तो मुझे दो इक्वेशन मिलेंगे तभी मैं एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकता हूं अदरवाइज अगर एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो मुझे क्या करना होगा एक कोऑर्डिनेट खुद असाइन करना होगा एक कोऑर्डिनेट खुद से लेना होगा और दूसरा कोऑर्डिनेट मुझे यहां से निकालना होगा या मैं ऐसे लिख देता हूं कि लेट से मैंने बोला कि बोलाईक्वल टू वन दोनों वेरिएबल अब मुझे मानने पड़ेंगे एक्स एंड वाई दोनों हमने क्या कर लिया एज्यूम कर लिया तो मैं अब एल में लेकर चलता हूं इसको एल एच में अगर हमने लिया तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि आई कैन राइट टू इन टू टू एक्स के जगह पे भी टू रख दिया प्लस थ्री इन टू वन वाई के जगह पे वन रख दिया तो मुझे यहां से मिलेगा यहां से मिल सकता है फोर प्लस थ्री इक्वल्स टू सेवन और ये सेवन आरएचएस में भी आया था मेरा आरएचएस के का टर्म सेवन के बराबर है तो इक्वल टू आर एच एस लिख दिया इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि एल एच एस जो है वो आर एच एस के बराबर है बराबर है इसका मतलब कि देयर फोर आई कैन राइट कि एक्स इक्वल टू टू कॉम इक्वल टू सेवन वाईक्वल टू सॉरी सोल्यूशन ऑफ इज अ सोल्यूशन ऑफ ऑफ दिस इक्वेशन दिस इक्वेशन इस इक्वेशन का क्या है एक सॉल्यूशन है उसी तरह इफ आई पुरेट से हमने लिखा एक सिक्वल्सू कितना एक सिक्वल शू ले लिया हमने मान लो कि वन ले लिया और वाई इक्वल्स टू वन ले लिया क्या ये एक सॉल्यूशन है सभी लोग ट्राई कीजिए तो इज इट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस लिनियर इक्वेशन एवरी वन जस्ट रिप्लाई इन द चैट से सभी लोग रिप्लाई कीजिए क्या एक्स इक्वर्स टू वन और वाई वन इसका सोल्यूशन है बहुत बढ़िया। सभी लोग दो लोग के रिप्लाई आए हैं अभी बहुत अच्छे कृष्णा अभिषेक सॉरी अभिषेक हाँ अभिषेक बताइए बताइए तो कहता आचार्य आगे आगे आई थिंक आगे आपका आंसर चलिए तो ये नहीं होगा आपका आंसर चलिए तो, तो देखिए यहाँ पे मैं एल एच एस में अगर रखता हूं ये वाला टर्म एल में एस में तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे मुझे टू इंटून थ्री इंटू वन मिलेगा और ये वैल्यू मुझे टू प्लस थ्री फाइव आई कैन डायरेक्टली राइट तो मुझे आरएचएस मिल रहा है आरएचएस मिल रहा है तो मैं एल एच एस इक्वर टू देर फोर एल की वैल्यू मुझे आर के बराबर मिल गया तो हम कहेंगे देयर फोर एक्स इक्वल्स टू वन वाई इक्वल्स टू वन इज नॉट अ सॉल्यूशन इज नॉट अ सॉल्यूशन नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन बात आया समझ में उसी तरह मैं पूछता हूं कि लेट से मैंने कहा कि एक्स इक्व टू माइनस वन एंड वाई इक्व टू थ्री इज इट अ लीनियर इक्वेशन इज इट अफ दिसर इक्वेशन क्या यह सोल्यूशन है आपका क्वेश्चन ये था ध्यान रहे मैंने पिछले स्क्रीन पर लिखा हुआ था टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्व टू सेवन आपको बताना है कि क्या इस ये जो मैंने वैल्यू लिया हुआ है क्या इसका एक सोल्यूशन है हिमांशु बाबू ट्राई करके एक बार रिप्लाई करो सभी लोग ट्राई करने के बाद रिप्लाई कीजिएगा तो सभी का लगभग आंसर आ गया है वेडन हिमांशु का सिर्फ आंसर गलत था उन्होंने नो लिखा हुआ है देखिए चेक कर लीजिए हिमांशु चेक करेंगे एलएचएस में एलएचएस में अगर मैं रखता हूं तो आई कैन राइट कि टू इंटू मुझे माइनस वन मिलेगा प्लस थ्री इंटू थ्री तो यहां पर ये मुझे मिल गया टू इंटू माइनस वन ये माइनस टू हो गया और हाँ तो मैंने देखा कि x इक्वल्स टू माइनस वन एंड वाईक्वल्स टू थ्री इज इज द सॉल्यूशन ऑफ इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑफ दिस इक्वेशन इस इक्वेशन ठीक है नाउ अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लेट से मैंने बोला कि फॉर फॉर एक्स इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू कितना अगर मैं ले लेता हूं जीरो एक्स इक्वल टू मैंने ले लिया आ, या y कोस जीरो एक्स इक्वल टू सेवन बाई टू ले लिया और दूसरा वाई इक्वल जीरो ले लिया मैं पूछता हूं कि क्या ये सॉल्यूशन है इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इफ आई कैन पुट इफ आई पुट एक्स इक्वल टू सेवन बाई टू एंड वाई इक्वल जीरो इज इट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉरी लीनियर इक्वेशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन तो तो सभी का आंसर सही आ रहा है तो हमने देखा यहाँ यह भी होगा ठीक है इसको भी मैं लिख सकता हूँ सेवन बाई टू और प्लस थ्री इंटू जीरो जीरो तो दिस इज इक्वल टू जीरोक्वल्स टू सेवन बाई टू सेवन बाई टू वाई इक्वल्स टू जीरो इज इज अल्यूशन इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन दिस इक्वेशन इस इक्वेशन का क्या मिलेगा एक सोल्यूशन मिलेगा बात आया समझ में नौ अब मैं देखना चाहता हूं कि इसके सॉल्यूशन यहां पे जो सॉल्यूशन मुझे मिल रहा है वो एक पॉइंट मिल रहा है तो थोड़ा सा मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ठीक है थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जान लेते हैं या कार्टेजियन कोऑर्डिनेट कौडिने... कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में इसको भी हम लोग देखेंगे एक चैप्टर है इसी पर बेस्ड बट मैं अभी ऐसे ही बता देता ठीक है कोऑर्डिनेट सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा एक एक्स एक्सिस होता है दूसरा वाई एक्सिस होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में ठीक है देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा हमारे पास एक तो मेरे पास ये वर्टिकल लाइन होता है और दूसरा मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ठीक है हॉरिजॉन्टल लाइन होता है मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड को चेंज कर दूं तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा ये ठीक है ये कुछ ऐसा होगा या लेट से मैंने क्या कर दिया इसको इसको ये हटा दिया अभी ठीक तो लेट से मैंने लिया कि यहां से।, से ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट ये एक एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो और दूसरा वर्टिकल लाइन हो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं एक बोलता हूं इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं एक बोलता हूं और इस वर्टिकल लाइन को मैं क्या बोलता हूं ठीक है दोनों लाइंस कैसे होंगे या इस या एक एक्सिस होगा इसको मैं एक बोलूंगा तो क्या बोलता हूं मैं एक तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको मैं एक बोलता हूं और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको मैं वाई एक्सिस बोलता हूं y बोलता हूं ठीक है और यहां पर जो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है या दोनों एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको मैं ओरिजिन की तरह ट्रीट करता हूँ ओरिजिन की तरह तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि यहाँ पे जो मुझे कोऑर्डिनेट सिस्टम मिला हुआ है जो मुझे कोऑर्डिनेट सिस्टम मिला हुआ है उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये एक्स एंड वाई जो होगा बोथ बोथ एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पहला बात वाई एक्सिस ये पहली बात जो होगी वाई एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ये दोनों क्या होंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे आर म्यूचुअली म्यूचुअली पर पेंडिकुलर म्यूचुअली पर पेंडिकुलर टू इच अदर टू इच अदर यानी कि दो लाइन हमेशा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने के लिए दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए इच अदर बात आया समझ में यानी कि यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे पहला ये पहला बात हुआ दूसरा मैं ये कहूंगा दूसरा ये मैं कह सकता हूं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ एक्सेस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ ऑफ बोथ द एक्सेस बोथ The एक्सेस बुक the एक्सेस is taken as origin is taken as origin ठीक है दोनों के point of intersection को मैं origin की तरह treat करूंगा और अगर मैं origin की तरह treat करूंगा ना तो इधर मैं x की positive value लूंगा तो इसका मतलब ये x axis है तो I can write कि हमारे पास यहाँ पे जो point होगा ये वन होगा ये टू होगा ये थ्री होगा ये फोर होगा ये फाइव होगा ये सिक्स होगा इस तरह से मेरे पॉइंट चलते जाएंगे टू, ये 3, ये 4, ये 5, ये थ्री, फोर, फाइव, सिक्स और यहां पर ये माइनस वन इस साइड जाएंगे तो माइनस वन एक्स की वैल्यू माइनस वन हो रही है ध्यान रहे दूसरा ये माइनस टू हो गया यहाँ पर ये माइनस थ्री हो गया यहाँ पर ये माइनस फोर हो गया ठीक है और इसी तरह ये इधर चलते चलते आते आते प्लस इंफिनिटी हो जाएगा जैसे नंबर लाइन पर होता था और ये माइनस इंफिनिटी हो जाएगा उसी तरह मुझे ऊपर की वाई में ऊपर की वैल्यू वाई एक्सिस पर अगर हम कट करेंगे तो ये वाई की वैल्यू वन हुआ वाई की वैल्यू टू हुआ वाई की वैल्यू थ्री होगा वाई की वैल्यू फोर होगा वाई की वैल्यू ही फाइव होगा इस तरह से ये वाई की वैल्यू होते जाएंगे और यहां पर मैं लिख सकता हूं कि नीचे अगर जाएंगे तो वाई की वैल्यू मुझे माइनस वन मिलेगी माइनस टू मिलेगा माइनस थ्री मिलेगा माइनस फोर मिलेगा इस तरह से ये वाई की वैल्यू मिलेगी ठीक है और ये वाई में इधर घटते घटते मुझे माइनस इंफिनिटी चला जाएगा ठीक है अब मुझे कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करना होगा पॉइंट रिप्रेजेंट करना है लेट से मैंने बोला कि एक्स की वैल्यू थ्री हो और वाई की वैल्यू क्या हो Y की वैल्यू मान लो वाई की वैल्यू मान लिया कि मैंने माइनस टू हुआ ठीक है तो इस पॉइंट को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं सबसे पहले पहले बोलूंगा कि एक सिक्वल्स टू टू का एक सिक्वल टू थ्री जो है वो यहां पर है एक इक्वल टू थ्री तो यहां पर है और y इक्वल टू माइनस टू जो है वो मेरा यहां पर है ये यह मेरा यहां पर है तो मैं क्या करूंगा कि x के नीचे चलते आऊंगा क्योंकि y मेरा नीचे है तो मैं x के नीचे चलते आऊंगा और y से इस इधर चलते जाऊंगा तो ये जो मुझे पॉइंट मिलेगा ना यहां वाला यहां वाला अब इसको मैं एग्जैक्टली exactly दिखाता हूं इस तीन के सामने और y के सामने जो कोऑर्डिनेट मुझे मिला है तीन के सामने हमने लिया ठीक है यानी कि मिला तो जाऊंगा यानी कि मुझे टू पर जाना है तो मैं, मैं X में तीन पर जाऊंगा एक्स में तीन पर जाऊंगा और वहां पर जाने के बाद मैं वहां पर जाने के बाद उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग वाई में आना चाहूंगा वाई में मुझे 2 आने के लिए मुझे उसके जस्ट सामने 2 पोजीशन पे आ जाना होगा और मैं इसको x 3 और y -2 को मैं ऐसे लिखूंगा कि x का कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं तो x का कोऑर्डिनेट पहले हो जाएगा मेरे पास -3 और फिर उसके बाद मैं y का कोऑर्डिनेट लिखता हूं तो x यहाँ इस पॉइंट को लिखेंगे हम 3, -2 तो सभी को पॉइंट समझ में आया क्या कैसे लिखेंगे एवरी वन जस्ट रिप्लाई ये और नो तब मैं उसे कुछ पॉइंट पूछता हूं ए और बी करके गुड देखिए अब मैंने यहाँ पे ए एंड बी लिखा हुआ है से मैंने यहाँ पर ए लिखा हुआ है देखिए इस कलर से लेता हूं यहाँ पर मैंने ए लिया हुआ है इस पॉइंट का नाम ए दिया हुआ है ए का कोऑर्डिनेट आपको लिखना है इस तरह से कि X, X कितना है वाई कोऑर्डिनेट कितना है तो ब्रैकेट में लिखेंगे दूसरा मैं इसको इंडिकेट करना इसको मैंने बी लिखा हुआ है लेट से मैंने इसको बी लिखा इसको मैंने मान लीजिए कि यहां पर मैंने इसको, सी लिखा। इसको दूसरे कलर से कर लेता हूं ताकि इधर तो ये पॉइंट है ही ऐसा तो मैं इसको येलो कलर से ले लेता हूं यहां पर इस पॉइंट को ठीक है तो चलिए सभी लोग ड्रॉ कीजिए ए बी सी ए बी सी और दूसरा डी भी मैं ले लेता हूं डी हमने यहां पांच पर लिया हुआ है यहां पर डी लिया हुआ है और एक यहां पर ले लेता हूं मैं ये वाला पॉइंट ई e ले लेता हूं चलो पांचों कोऑर्डिनेट बताइए तो कृष्णा अभिषेक ने ए के बारे में बता दिया वेल्डन कृष्णा बी के बारे में विपुल ने ए ब... के बारे में विपुल ने भी बताया बी के बारे में कृष्णा अभिषेक का कहना है वेडन कृष्णा बी हो गया सी पर आ जाइए स... और सभी लोग रिप्लाई कीजिए भाई हाँ अभिषेक आनंद को आई थिंक देर माइट बी सम हाँ अभिषेक आपका तो चैट आ ही नहीं रहा है आपके साथ नेटवर्क लिखा था क्या है कि मतलब आचार्य क्लास इज नहीं नहीं लिखा था आचार्य क्लास इज नॉट इन दिस मीटिंग आचार्य क्लास इज नॉट इन दिस मीटिंग नेटवर्क इश्यू होगा आपका एक बार रिफ्रे फिर yes, से रिज्वाइन कर लीजिए फिर से एक बार रिज्वाइन कर लीजिए मीटिंग में नहीं हूं तो ले कैसे रहा हूं सेशन ठीक है जस्ट वंस अगेन रिज्वाइन चलिए तो आई थिंक सभी लोग बहुत अच्छा लगभग सबके रिप्लाई आ रहे हैं भाई हाँ इस तरह से एक साथ आना चाहिए था ए का कोऑर्डिनेट जो होगा वो तो देखिए ए का कोऑर्डिनेट मुझे ए तक जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा पहले ओरिजिन से जाएंगे एक्स एक्सिस पर तो चार के जो सामने है तो फोर और फिर मुझे वाई एक्सिस पर भी फोर जाना पड़ा तो ये जो A का कोऑर्डिनेट है वो मुझे फोर कॉमा फोर मिलेगा एक अकॉर्डिनेट फोर कॉमा फोर मिलेगा बी के कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करता हूं तो बी पर मुझे एक्सिस में 2 जाना होगा और फिर उसके बाद वाई एक्सिस पर जाऊंगा तो एक्स एक्सिस पर मैं गया टू पर और बी पर पहुंचने के लिए मुझे वाई का में चार डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा नीचे तो बी इक्वल टू माइनस फोर हो गया तो टू कॉमा माइनस फोर ये दूसरा होगा बी हो गया सी के बारे में मैं बोलूंगा तो ये एक्स X, X में मुझे निगेटिव साइन में जाना पड़ रहा है टू तक और वाई में पॉजिटिव साइन तक जाना पड़ रहा है टू तक तो मैं इसको लिखूंगा टू कॉमा माइनस टू होगा सॉरी माइनस टू कॉमा टू होगा ना माइनस टू कॉमा टू होगा क्या होगा माइनस टू कॉमा टू ठीक है एक्स एक्स वाला डिस्टेंस माइनस होगा फिर डी हमने दिया हुआ है डी क्या हो जाएगा एक्स में एक भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है एक्स में यही रहेगा सिर्फ वाई वाला डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा इसको तो ये जीरो कर लेते हैं हम अपने e, e हमारे पास यहां पर है ई हमारे पास यहां पर है तो ये एक्स एक्सिस में पांच यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा और वाई में कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा इसको तो ये सिक्स कॉमा जीरो हो जाएगा क्या ये कोऑर्डिनेट सबको लिखने आ जाएगा एवरी वन जस्ट कन्फर्म फर्स्ट एक बार कंफर्म कर दीजिए सभी लोग बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज मैं लिख लेता हूं यहां से मुझे कुछ प्रॉपर्टीज देखने को मिली एंड दिस प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज में मैं कहूंगा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट सम सम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां अभी आपने देखा भाई कि मैं यहां पर एक एक्सिस पर मेरा पॉइंट है ई जो है मेरा पॉइंट एक सैक्सिस पर है तो एक एक्सिस पर मैंने वाई कोऑर्डिनेट जीरो देखा क्या मैं अगर अगर यही पॉइंट मेरा पांच पर होता एक्स तो एक्सिस पर कहीं पर भी आप देखोगे तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो रहा है कि नहीं ये बात समझ में आ रहा है क्या अगर मैं 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 इसका इसका अगर कोऑर्डिनेट देखता हूं इस टू का तो मैं इसको कोऑर्डिनेट में लिखूंगा तो ये पॉइंट टू कॉमा जीरो हो जाएगा इसके बाद फोर वाले को देखूंगा तो फोर कॉमा जीरो इसका मतलब कि द तो वाई कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस इज जीरो ठीक है तो मैं वही वाला पॉइंट लिखता हूं कि पहला पॉइंट द एक्स कोऑर्डिनेट द एक्स कोऑर्डिनेट द एक्स कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट On y axis on y axis is zero zero and and the y axis and the y coordinate and the y coordinate and the y coordinate on x axis. ऑन एक्स एक्सिस इज जीरो का भी जो जो वाई कॉर्डिनेट एक्स एक्सिस पर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो ये वाला की पॉइंट है और दूसरा मैं बोलूंगा कि ओरिजिन का जो कॉर्डिनेट है ना द कॉर्डिनेट ऑफ ओरिजिन द कोऑर्डिनेट कॉर्डिनेट ऑफ ओरिजिन ओरिजिन इज टेकन एज टेकन एज जीरो ठीक है जीरो सॉरी जीरो कॉमा जीरो तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राफ सीखेंगे कि कैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तब तक आप एक्सरसाइज होमवर्क आपका होगा exercise and I think आप तो exercise and आपका होगा, 4.1 4.1 4.2 4.2 भी आपसे बनना चाहिए। तो आपका ठीक ठीक है? है? और साथ ही साथ आपके पॉलिनोमेल का भी जो भी एक्सरसाइज होगा जल्दी से जल्दी क्लियर कीजिए ताकि हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट डीएसएस में कंप्लीट डीएसएस सेशन होगा जहां पर कोई क्वेश्चंस का मतलब एवरी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का डिस्कशन ही होगा ठीक है वहां पे किसी भी तरह की थ्योरी का डिस्कशन नहीं होगा ठीक है भाई ताकि जो डीएसएस के जो वीडियोज बने वो सेपरेटली बने और थ्योरीज के जो वीडियो बने वो सेपरेटली बने ठीक है तो बाय बाय एवरीवन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बुक ने मैंने मॉड्यूल आपको एक पीडीएफ भेजा होगा पॉलीनोमियल में अभिषेक चलिए मैं इसका अब, recording